नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। चाहे आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, आप अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में करवा सकते हैं। तो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 15 मुख्य विशेषताएं, वह 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल को बाकी स्पोर्ट्स स्कूल से बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दी जाती है निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन। बच्चों को दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होती, ना ही खेलों से संबंधित ट्रेनिंग की देनी होती है कोई फीस, ना ही कोई पढ़ने की फीस देनी होती है, ना ही यह जो हॉस्टल सुविधा बच्चों को प्रोवाइड की जाती है उसकी कोई भी फीस देनी होती है। तो पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के द्वारा बच्चों को दी जाती है। यहाँ पर किस देश के किसी भी राज्य का बच्चा, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का बच्चा पढ़ सकता है। यह स्कूल सभी के लिए खुला है, उन सभी बच्चों के लिए जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है। जो भी आज के आधुनिक युग में खेलों से संबंधित नए उपकरण हैं या फिर वह नई चीज़ें जिनसे बच्चों के खेलों से संबंधित कौशल बेहतर होते हैं, वे बच्चों को दिए जाते हैं ताकि यही बच्चे आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम ऊँचा कर सके, ओलंपिक जीत सके और अपना और अपने परिवार का नाम आगे बढ़ा सके। यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वह एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जाती है। जो कोच होते हैं वह उस खेल में महारत हासिल करी होती है उन्होंने, इसीलिए जो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स से संबंधित ट्रेनिंग जो बाहर अलग जगहों पर बहुत महंगी दी जाती है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा होती है और निःशुल्क बच्चों को दी जाती है। यहाँ पर 6ठी से 12वीं तक के बच्चे पढ़ पाते हैं। यहाँ पर जो पढ़ाई करवाई जाती है वह हिंदी और अंग्रेजी में करवाई जाती है। मीडियम इंस्ट्रक्शन हिंदी एंड इंग्लिश होता है। यह को एजुकेशनल स्कूल है, यानी कि लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं और को एजुकेशनल शिक्षा के इस समय में यह स्कूल बहुत ही बेहतर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ खेलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि आवासीय स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, यहाँ पर बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं खेलेंगे, यहीं रहेंगे, इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लड़कियों का हॉस्टल और लड़कों का हॉस्टल अलग रहे। यह स्कूल DBSE से एफिलिएटेड है, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन स्कूलों में 10 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, 10 खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। और आप सभी को बताना चाहूँगी ये 10 के 10 खेल ओलंपिक्स जो कि जो स्पोर्ट्स की जो लिस्ट है उसका हिस्सा है, इसीलिए यह बच्चे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत का नाम ऊँचा करने का उन्हें मौका मिलेगा और ओलंपिक्स में भी आगे जाने का उन्हें मौका मिल सकता है। साथ ही जो बच्चों को का सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है पूरा, बच्चों के चयनित करने की प्रक्रिया है, दाखिले की प्रक्रिया है, वह भी बहुत सिंपल होती है, आसान होती है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, फिर हर स्टेट में स्काउटिंग कैंप्स लगते हैं, फिर दिल्ली में स्पोर्ट्स ट्रायल होते हैं और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद बच्चों को दाखिला दे दिया जाता है। साथ ही बताना चाहूंगी कि वह सभी स्टूडेंट्स जो खेलों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं दाखिले के बाद, काफ़ी मेहनत करते हैं और दिखता है कि इन बच्चों में आगे बढ़ने की पोटेंशियल है, आगे बढ़ने की क्षमता है, तो ऐसे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में यह स्कूल आगे भी मदद करते रहेंगे। यह जो स्कूल्स हैं ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तहत आते हैं, यानी कि जब यह बच्चे 12वीं पास कर लेंगे तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी इन्हें दाखिला मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। खेल ही पढ़ाई है के मुख्य सिद्धांत पर यह स्कूल चलाए जा रहे हैं, जैसा कि नाम कहता है दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स शब्द खुद नाम का हिस्सा है, इसीलिए खेलों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और खेलों में बच्चे दक्षता हासिल करें, खेलों में बच्चे महारत हासिल करें, यही स्कूल का मुख्य उद्देश्य होता है, प्रिंसिपल होता है।
साथ ही बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग यह सोचते हैं जब खेलों पे ही फोकस किया जाता है तो क्या पढ़ाई स्कूलों में होती है। जी हाँ, पढ़ाई भी होती है, एक बैलेंस बनाया जाता है जिसमें पढ़ाई भी हो, खेल पे भी जोर हो, लेकिन जो ज्यादा जोर होता है, मुख्य जोर होता है, वह खेलों पर ही होता है। तो यह थी 15 मुख्य विशेषताएं, या फिर आप कह सकते हैं वे 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल को बहुत अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे लेके जाना, आपको लगता है आपके बच्चे में है खेलने से संबंधित काफ़ी कौशल, या फिर एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूं, तो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। देश के किसी भी राज्य का बच्चा, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का बच्चा इन स्कूलों में दाखिला ले सकता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा और शिक्षा संबंधित अधिक से अधिक जानकारी सही समय पर प्राप्त करने के लिए आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए, नमस्कार।